हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तेजू सिलाई ट्यूटोरियल। आज हम स्लीव्स डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जिसमें हम बर्फी वाली डिज़ाइन बनाने वाले हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें स्लीव्स के लेंथ की कुछ इस तरह से कैनवस ले ली है। देन नीचे जो लेस है उसका स्पेस हमें छोड़ देना है। कुछ इस तरह से 1 इंच की लेंथ है चौड़ाई लेकर मैंने दोनों निशानों को आपस में मिलाकर एक्स्ट्रा जो भी कैनवस था सेंटर वाला कट कर लिया है। लास्ट में कुछ इस तरह से हमें एक बॉक्स बनाना है। देन सेंटर में जो भी बचा हुआ कैनवस है उसे साइड में रखना है। पेंट के सहायता से एक लाइन हमें इस तरह से बना लेनी है। इसे भी कट कर लेना है। ये देखिए, दूसरे तरफ भी ऐसा ही करना है। सेंटर में जो भी कैनवस निकला है उसे रखना है। पेंट की सहायता से कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। कैंची की सहायता से हमें कट कर लेना है। हमारे जो 3 चेक्स है बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम थोड़ी सी दूरी पर, यानी कि आधा इंच से भी थोड़ा सा कम इसी इस दूरी पर इस तरह से कैनवस को कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो कैनवस है कुछ इस तरह से कट होकर रेडी हो चुका है। अब हमें अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी। हमें कुछ इस तरह से 2 कट कर लेने हैं, क्योंकि 2 अगर स्लीव्स बनानी हो तो 2 हमें कट कर लेने हैं। अस्तर के ऊपर रखना है। चाहो तो आप प्रेस भी कर सकते हो या फिर सिलाई भी लगा सकते हो। चारों तरफ से हमें अच्छी तरह से फोल्ड करना है कपड़े को कुछ इस तरह से, और ऊपर से 1 सिलाई हमें लगा लेना है। देन स्लीव्स के सेंटर में हमें डिज़ाइन को रखना है, पिनअप करना है ताकि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले ना। कुछ इस तरह से मैं 3 पिन लगा लूँगी। देन हमें चारों तरफ से अच्छी तरह सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगा लेने के बाद इस तरह से फोल्ड करना है फैब्रिक को। देन सेंटर में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे कट कर लिया है। अब हम चारों तरफ छोटे छोटे से नोचेस लगाएंगे। नोचेस लगाने से ये फ़ायदा होता है कि अच्छी तरह से ये फोल्ड हो पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने चारों तरफ नोचेस लगा लिए हैं। अब हमें ये जो जॉइंट है, तीनों डिज़ाइन, इन्हें हमें अलग अलग करना है ताकि हम इसे अच्छे से पलटा सकें। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आराम से कट करना है, देन फोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पर हम डबल से ट्रिपल सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल भी कपड़ा कहीं से निकलने वाला नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर डबल सिलाई भी लगा सकते हो। जब हम इस तरह से सिंगल सिलाई लगाएं तो दोनों जॉइंट को कुछ इस तरह से मिला दें आपस में, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से अटैच हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। क्रिस क्रॉस हमें सिलाई लगाना है। क्रिस क्रॉस सिलाई लगाने से जो जॉइन होते हैं वो अच्छी तरह से कवर हो जाते हैं। देन आप देख सकते हैं दोनों तरफ अच्छी तरह से हमें क्रिस क्रॉस सिलाई लगा लेना है, ताकि जॉइन अच्छे से कवर हो जाए। चाहो तो आप यहाँ पर डबल सिलाई भी लगा सकते हो, ताकि जो भी हमारा कैनवस है बिल्कुल भी उचके ना, या फिर बाद में आप तुरपाई भी कर सकते हो। चलिए फटाफट से हम गोल्डन एक लेस लगा लेते हैं। जब भी हम गोल्डन लेस लगाते हैं गाइस, तो अगर आप ये लेस को अगर क्रिस क्रॉस करके लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी हम एक एक डिज़ाइन को अलग अलग लेस कट करके लगाते हैं तो उसमें जॉइन दिखते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से अगर आप क्रिस क्रॉस लगाएं तो बिल्कुल भी कोई जॉइन नहीं आने वाला है, डायरेक्ट ये लेस लग के तैयार हो जाती है। और जब भी हम पतली लेस लगाएं या फिर मोटी लेस लगाएं, डबल सिलाई ज़रूर लगाएं, ताकि वो एक कॉर्नर से या फिर एक किनारे से ऐसे उचके ना, अच्छे ना लगते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने डबल सिलाई लगा ली है। तो आप देख ही सकते हो फटाफट से हमने जो लेस है क्रिस क्रॉस करते धीरे धीरे इस तरह से लगा लेनी है। ये देखिए, जहाँ पे भी कोना आ रहा है वहाँ पे मैंने नोचेस लगा के लेस को लगा ली है। देन हमें यहाँ पर मोती या फिर कुछ इस तरह से छोटे छोटे से बटन्स लगा लेने हैं। हमारी डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।